इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो हम बेसिकली केरला ट्रिप पे हैं। परसों हम दिल्ली से त्रिवेंद्रम आए थे, कल हम डे ट्रिप पे गए थे टू कन्याकुमारी टू द लास्ट पॉइंट, और कल ही रात में हम वर्कला आ गए थे। आज हम वर्कला को एक्सप्लोर करने वाले हैं पूरी तरीके से। जो कॉटेज लिया यहाँ से बहुत ही प्यारा नज़ारा है, एक्सट्रीमली गुड। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है कॉटेज जहाँ पे हम रुके हैं, शर्ली कॉटेज, और अभी हम जा रहे हैं बीच की साइड पे। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है, हार्डली 100 मीटर होगा। यहाँ पे बीचेस बहुत क्लीन है, कुछ भी गंद नहीं है, और इवन इनफैक्ट पानी भी बहुत ही क्लियर है। थोड़ा इस जगह की खूबसूरती को एक्सप्लोर कर लेते हैं। चलो देखे इन सब लोगों की और मेरी थोड़ी सी मेहनत क्या रंग लाई है। ऑनेस्टली आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कोई शार्क वार्क बड़ी 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 मछलियाँ पकड़ी जाएंगी, बट काफ़ी छोटे छोटे थे। सो अब मॉर्निंग स्टार्ट किया जाए, ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ब्रेड ऑमलेट भी मंगाया था बट वो अच्छा नहीं था। कुछ यहाँ का लोकल ऑथेंटिक मंगाया है, इसे पुडू बोलते हैं। अब खा के ट्राई करते हैं। काफ़ी देर से, आधा घंटा लगा इसको प्रिपेयर होने में। कुछ बहुत ही टेस्टी मिला है, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, रियली लाइक इट। मतलब ऐसा है कि आप ये चीज़ दोबारा भी खाया जाएगा। या मिस्टर अश्विनी, वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी इट इज़। ओके, थैंक यू। एंड दिस इज द व्यू एंड आवर प्राइवेट स्पेस। क्या बात है, दोबारा से चाय पिया है यहाँ पे, मन ही नहीं कर रहा है सोने का। हम निकल चुके हैं फॉर जटायूज पॉइंट। 28 किलोमीटर 50 मिनट का रास्ता है, वहाँ जाने वाले हैं। यार मूवीज वगैरह में देखा है मैंने, बहुत ही क्लासिक सा लोकेशन है, लाल सिंह चड्ढा में। लाल सिंह चड्ढा, मतलब हाँ। उसी को देख करके दिमाग में आया था कि यार नहीं, यहाँ पे तो एक बार जाना बनता है। तो वहाँ जाते हैं, उसके बाद आई बिलीव एक कोवलम या कोल्लम करके कोई बीच है यहाँ पे, उस पर विजिट करना है। एंड स्पेशली फॉर द सनसेट हम वहाँ पे जाएंगे, कपिल बीच, और वहाँ पे बोटिंग भी है, पहले बोटिंग करेंगे, ऐसा प्लानिंग है। लेट्स सी कि क्या होता है, कैसा होता है। तो अयोध्या नहीं गए हैं, ना ही उस वाइब को फील कर पा रहे हैं। इट्स अ हिस्टोरिक डे। तो 30 रुपए की पार्किंग चार्ज देकर के हम आ चुके हैं एंट्रेंस पे। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस है, आप ट्रॉली करके भी जा सकते हैं और वॉक करके भी जा सकते हैं। और पता करते हैं, अगर वॉकिंग का बढ़िया हुआ ना तो थोड़ा सा ट्रैक हो जाएगा। तो एक यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश चलता है, कैश के अलावा ये कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करते, कोई कार्ड वगैरह।
अब ऊपर जाके मतलब देखते हैं कि क्या रेट्स हैं यहाँ पे। कितने की थी टिकट? 472 का है ये एंट्री टिकट। अच्छा, और केबल कार की अलग है? केबल कार की शायद अलग से निकलेगा। अश्विनी ड्रोन के लिए ही एक्साइटेड था और यहाँ पे ले जाने के लिए ही मना कर दिया। हाँ कोई बात नहीं, मैंने कुछ अलग ही सोचा था कि ये ऐसे ही होगा, नॉर्मल सा जगह होगा जहाँ टॉप पे, बट ये बहुत ही ऑर्गेनाइज सा जगह है और रूल रेगुलेशन सब कुछ है यहाँ पे। जब क्या बड़ा है यार, करेक्ट वर्ड फॉर दिस इज ह्यूमंगस। यहाँ पे एक म्यूजियम है जो कि अभी इन प्रोग्रेस है एंड दिस इज डेडिकेटेड टू वुमेन सेफ्टी एंड ऑनर। एक ही शॉप है यहाँ पे नींबू पानी का, क्वाइट भी है। हम बीच साइड आ चुके हैं यार, एक तो ना क्लीनलीनेस का मैं फैन बन गया हूँ। खाली कैसे पड़ा है? सेक्सो ब्रो। तो अभी फिलहाल लंच के लिए हम रुके हैं। मैं तारीफ करने वाला था प्रेजेंटेशन के बारे में, बट यार ये इतना टेस्टी है ना, ऑफिशियली ये फिश नहीं खाती है। बढ़िया, चलो भाई चलो टूटो टूटो। तो अभी जस्ट लंच कंप्लीट किया है और एज पर अगर गूगल जाएं तो ये है कि जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ इन केरला, बट यार कोल्ड जैसा कुछ भी नहीं है, गर्मी है बहुत। जनरली हम जहाँ पे भी खाना खाते हैं ना, अगर अच्छा नहीं होता है तो कोई कमेंट नहीं देते हैं, बट ये होटल कपिल मीडोज के साथ ही बैक साइड पे एक लेक साइड व्यू कैसे कह लो, यहाँ पे खाना बहुत अच्छा था, मतलब जो भी ऑर्डर किया था बहुत ही टेस्टी। गूगल मैप से जूझते हुए, लोकल से पूछते पूछते हम परावुर बोटिंग पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, बट आज के दिन हमें वो लोकेशन नहीं मिला। हाँ कॉन्टैक्ट डिटेल मिल गया था और ये एक्टिविटी आज नहीं बट हमने आगे चल के किया। तो गाड़ी पार्क कर दिया है कपिल बीच पे और आ गए हैं, क्योंकि यहाँ से जो सनसेट दिखने वाला है जैसा लोगों ने बोला है बहुत ही बढ़िया है। तो एडजॉइनिंग लेक और ये रहा बीच। इस सनसेट को देख के तो दिल खुश हो गया बिल्कुल ही,
बहुत ही प्यारा था, पीसफुल, चुपचाप बैठ गए थे, बातें करते रहे और निकल गया समय। एंड अबाउट दिस बीच, दिस इज कपिल बीच। ये बहुत ही बड़ा बीच है और बिल्कुल साफ सुथरा है, और लोग भी जो है ना, आई बिलीव ज्यादातर लोकल ही दिखे मुझे यहाँ पे। दिस इज नॉट, हाँ, ये प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस अभी बना नहीं है, जबकि इसका लोकेशन अगर आप देखोगे तो वो डुअल एडवांटेज के साथ है। तो मजा तो आया। ये जो व्यू आप देख रहे हो और जो मेरे आंखों के सामने दिख रहा है ना, ऑन ए सीरियस नोट, कैमरे में कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतना प्यारा और सीनिक व्यू है ना, कलर जो है दिल खुश कर देने वाला है, मजा आ गया। पता नहीं, शायद घंटा भर हो गया हम यहीं पर बैठे हैं, बातें किए जा रहे हैं, और ना इसका मन है ना मेरा मन है, जाने का वापस मन ही नहीं कर रहा है। वैसे तो मैं मोर ओवर माउंटेन पर्सन ही हूँ, और ऐसा नहीं है कि कुछ चेंज हो गया, अभी भी मैं माउंटेन पर्सन ही हूँ, बट ये जो चीज़ है ना, आई थिंक ये वर्थ है आपको यहाँ तक बुलाने के लिए। एक टायरिंग दिन के बाद हमने डिसाइड किया कि आज हम साथ में बैठ के क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, और इससे बढ़िया क्या है कि यहाँ पे जोमेटो स्विगी भी चलता है। अगर आज का कंटेंट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और डोंट मिस टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। साइनिंग अप फॉर टुडे, बाय बाय बाय।